Javed Jaaferi, please come on the stage. Zyada gaane baje aapke liye yaar. Vijay Raaz, please come on the stage, sir. And now the time I would like to invite Karan Anand, please come on the stage. Rishab Chadha, please come on the stage. And now the time I would like to invite Meenakshi Dixit, please come on the stage. Come on everyone, zorda clapping ho jaye. Well guys, hum sabhi ne trailer dekha, bahut ultimate trailer hai. Aur abhi yahan pe hum apni team se kuch questions karte hain. So sir, jaise ki aap sabhi ne yahan pe, aap sabhi ne dekha, bahut hi bad movie hai. So aapne jaise ye movie kari hai aur bahut hi mujhe haunting movie lagti hai. So aapko kya lagta hai is movie se, matlab hum log ये सही है, थोड़ा बेटर है। आप बोलिए जरा, थोड़ा दूर होके, हेलो माइक को थोड़ा थोड़ा दूर रखिए, प्रॉब्लम है। अभी ठीक है, सभी को वॉइस प्रॉपर आ रहा है, परफेक्ट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पैसे मुझे मिलेंगे? डेफिनेटली। सो सर, अभी जैसा हमने लुक का यहाँ पे ट्रेलर देखा, सो मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा ट्रेलर था, बहुत ही अच्छी मूवी, मुझे बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। सो आप लोगों ने जैसा काफ़ी टीम वर्क है, बहुत ही प्यारी मूवी है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे जानना चाहेंगे, कैसा रहा आपका इस मूवी का एक्सपीरियंस? ओके विजय जी, शुरू करते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मतलब बढ़िया था, क्योंकि भाई पीछे जो कुछ बेच रहे हैं उधर थोड़ी देर के लिए बेचना बंद कर दीजिए, हम बातचीत कर लें, बाद में आप बेच लेना पीछे। बढ़िया सी कहानी है, मतलब बढ़िया बढ़िया लोग हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, डायरेक्टर साहब हैं, बाकी सब कलाकार हैं साथ, ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आया काम, और उम्मीद है कि आप सबको भी आएगा, मज़ा आएगा। सर, ट्रेलर इतना प्यारा है, ट्रेलर देखने के बाद ये इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है, तो अभी तो मूवी की डेट बहुत ही करीब आ चुकी है। ज्यादा एक्साइट मत हो जाइए, क्योंकि पता चला साला पहुंच ही नहीं पाया सिनेमा हॉल तक, थोड़ा सा जो है हल्का सा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि परसों है फिल्म रिलीज, कई बार होता ना कि मतलब इतना हो गया कि मतलब पहुँच ही नहीं पाया, तो या ओके जस्ट अ रिक्वेस्ट, क्या इनको इनकी फ्लाइट है, जाना है, तो आप लोग अगर जो पहले इनसे पूछना चाहें तो विजय भाई से पूछ लीजिए, फिर सवाल को जवाब हुई है तो विजय सर, जैसा कि हम देखते हैं कि काफी आप कॉमेडी करते हैं, लास्ट भी आपने एक हॉरर मूवी की थी, तो इस बार जो आपको हीरोइन मिली है, एज ए कॉमेडियन सेट पर आपको पता था कि वो भूत नहीं है, तो कितना आपने तंग किया उनको, और क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, सेट पर आपको मालूम था तो कितनी कॉमेडी चलती थी सेट पर, वो हम जानना चाहते हैं। कॉमेडी तो अभी भी चल रही है, क्या कॉमेडी करी है आपने? जिस तरह से आपकी एक्टिंग रहती है कि लोगों को हंसाने के लिए, नहीं बड़ी एक्सपीरियंस था, और वो सब हमारे भाव हैं कि ये कॉमेडी है, ये इमोशनल है, वो सारे भाव हम यू नो व्यक्ति के तौर पर लेकर ही जीते हैं, और उसका मजा भी है, जो नौरस, उस नौरस में से एक ही भी है जो हास्य रस है, और एक ही रस नहीं होता है हमेशा, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट वो बदलते रहते हैं, तो तंग वंग मैंने नहीं किया, ये आप अपने दिमाग से निकाल दिए, मैंने क्या तंग किया, ये साइड में पूछ लेते बात मुझसे, सबके सामने पूछना, मैंने तंग किया गया? हाँ, आपका समय खत्म हो गया। एक सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अब आप ही पूछ रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। विजय राज जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको पटाखा फिल्म में आपका किरदार। कहाँ से? अच्छा, तो इस फिल्म में सुपरनेचुरल फिल्म से कहा जा रहा है, इस फिल्म में किस तरह का
माहौल रहा, क्या कभी किसी सीन को करते वाकई डर लगा कि हाँ कुछ ऐसा अलग होने जा रहा है, क्योंकि हम जिस तरह से ट्रेलर देख रहे हैं तो वाकई थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, तो आप लोगों के लिए कैसा माहौल रहा जब शूट किया आप लोगों ने? हम जंगल में शूट कर रहे थे तो वहाँ थोड़ा स्केरी था मामला, बिकॉज वहाँ पे जंगली जानवर आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं, तो वैसा था, तो उससे पीएम तो थोड़ा सा, बाकी इतना नहीं होता बिकॉज हमको पता नहीं, छोटे छोटे सीन्स होते हैं ना, तो फिल्म के अंदर तो एक साथ आप देखते हैं, जब हम फिल्म कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि भाई खुद ही डर रहे, वैसा नहीं है। भूतों पर भरोसा करते हैं आप? आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा सुपरनेचुरल पार में बढ़ेगा या नहीं? यह कुछ चीजें भरोसा करने न करने के प्योर, आप उन पर भरोसा करें या न करें वो है, वो होती है, आप मत मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतनी बड़ी है और आप छोटे भी कहना, मतलब आदमी है ही कितना है अगर आप खेल देखें सारा, तो ऐसी चीज़ है। आप करते हैं भरोसा? आपको लगता है कि भूत होते हैं? मैं यहाँ कितने भूत बैठे हैं अभी, हाँ नहीं भूत नहीं भी है यहाँ पर, हाँ सब मिक्स, और वहाँ कोई जेंडर प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब बराबर। भूतों पर भरोसा मतलब यही है कि मतलब भूतों पर डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं, इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे आपने ट्रेलर में भी कहा है कि रास्ते कहीं नहीं जाते, आपको कहाँ जाना है, तो आप स्क्रीन पे 5 मिनट के लिए आए या 1 घंटे के लिए आए? ऑडियंस को पता होता है कि अब हम एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि विजय जी स्क्रीन पर हैं, तो जब भी आप कोई नया रोल लेते हैं तो आप ये अपनी जनता को दिमाग में रखते हैं कि उन पर क्या एक्सप्रेशन पड़ेगा या मेरी इमेज चेंज हो जाएगी फ्रॉम कॉमेडी टू सम न्यू रोल? मेरी यार मुझे पता ही नहीं है इमेज क्या है, और मैं क्यों यहाँ क्यों हूँ मुझे ये भी नहीं पता मैं क्यों, मुझे मज़ा आता है तो मैं हूँ, नहीं आएगा तो नहीं रहूँगा, वैसा है, तो मैं आई एम नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, आई वॉज नेवर। सो अब लोगों को मज़ा आता है तो लोगों की इसमें एक्चुअली लोगों के लिए तालियाँ बजानी चाहिए कि उनको मज़ा आता है, मैं ऐसे ही बस। उसको कहा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, चूंकि मुझे कुछ आता ही नहीं, तो जैसा आता है वैसा मैं कर देता हूँ, जैसी मेरी समझ उस समय होती है, और तो उसको एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए एक्चुअली। यस आई डू। हाय विजय सर। थैंक यू। हाय दिस साइड इन फ्रंट। विजय सर और जावेद सर, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों ने इतने किरदार निभा चुके हैं और बहुत सारे मूवीज़ का पार्ट रह चुके हैं बॉलीवुड की, एक हॉरर जेनर ऐसा है जो बॉलीवुड में सक्सेस नहीं होता इतना, तो आपको क्या लगता है कि लुप्त से आपने वो फॉर्मूला क्रैक किया है कि मूवी हिट होगी? क्योंकि हॉलीवुड में जो ये जेनर है हॉरर सक्सेस होता है, बट बॉलीवुड में कम मूवीज़ आती हैं जो सक्सेस हो पाए, तो आपको क्या लगता है? आप दोनों से सवाल है। मुझे लगा यही जवाब दे रहे हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ये हॉरर जेनर है सक्सेसफुल नहीं है बॉलीवुड में इतना, तो आपको लगता है कि लुप्त से आपने क्रैक किया है वो फॉर्मूला जिससे सक्सेस हो? यार एक्चुअली इसका जवाब जो है प्रभु सर दे पाएंगे, बिकॉज उनका आइडिया है, उन्होंने फिल्म बनाई है, हम तो कहीं भी फिट हो जाते हैं, आप उसको हॉरर कह लो या वो कह लो अपना कुछ, आपको ये बताना चाहिए एक्चुअली। क्या आपको मजा आया हॉरर जनरे करके? आप कॉमेडी में तो बहुत ही अच्छे से करते हैं, क्या आपको इसमें मजा आया स्पेशल, अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? बिल्कुल मजा आया भाई, एक मतलब घटना घट गई थी शूटिंग में, जंगल में हम शूट कर रहे थे तो वहाँ एक बंदा मिला, बंदे ने कहानी सुनाई कि वो भागा भागा आया, मतलब कि उसने किसी से माचिस मांगी सिगरेट जलाने के लिए, तो सिगरेट माचिस में दी और जलाई उसने, तो देखा ना जलाने के लिए आप नीचे झुकते हैं, उसने देखा उसके पाँव उल्टे हैं, हालत खराब हो गया, ऐसे वो माचिस वाली छोड़ के भागा, मैं उसे जो बता रहा था तो देखा एक ऑटो वाला जो है
जा रहा था, उसने ऑटो को रोका कि यार मतलब साला पसीना पसीना, उसने रोका ऑटो वाले ने बेचारा, देखा रहा बेटा यार कह रहे यार क्या हो गया इतने हाँ क्यों रहे हो, नहीं नहीं यार अभी एक आदमी मिला माचिस मांगा और उसके पाँव उल्टे थे, उल्टे मतलब नहीं उसके पाँव ये जो है हिस्सा पीछे था, तो ऑटो वाले ने अपने पाँव देखे कि ऐसे तो नहीं थे, तो ये सच्ची घटना घटी वहाँ सेट पे और हमको फिर काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी वहाँ पर, उल्टे पाँव के लोग घूम रहे हैं वहाँ कुछ, उल्टे दिमाग के तो थे ही उल्टे पाँव के। तो अच्छा ये मैंने क्यों सुनाई कहानी आपका जवाब देने के लिए? जवाब तो सर कुछ और दे उम्मीद कर रहा था, बट ठीक है स्टोरी सुनाई आपने। आखिरी सवाल आपसे कि शूट करने के बाद क्या होटल में आराम से नींद आ जाती थी या एक रूम में चार चार लोग सोते थे? वो तो बजट का प्रॉब्लम होता था कि एक रूम में चार चार लोग सोते। सर आपके पॉज से समझ के आंसर मिल गया मुझे, थैंक यू। द मैन ऑफ पॉज प्रभु इनसे। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, आपकी जो लास्ट फिल्म थी स्त्री उसमें भी आपका किरदार था और ये वो भी एक हॉरर फिल्म थी और जो अब आ रही है लुप्त वो भी एक हॉरर फिल्म है, तो दोनों किरदारों में कितना डिफरेंस है, मतलब क्या कुछ अलग है आप बताइए देख के? जी सर उसके लिए तो हम एक्साइटेड हैं, परसों फिल्म रिलीज हो रही है तो हम जरूर जाएंगे देखने, पर आप क्या बताना चाहेंगे कि दोनों किरदारों में कितना? बता दूंगा तो आप जाएंगे नहीं, तो आप जाइए बिल्कुल सर। बीच में पटाखा भी तो आइए उसका जिक्र नहीं है। हॉरर फिल्म की बात अगर की जाए, हॉरर थोड़ी है यार, हॉरर फिल्म थोड़ी है, और हॉरर तो मतलब हॉरर किसको कहते हैं, यहाँ सवाल मतलब करके आप डरा दे रहे हैं, हॉरर बेसिकली क्या है कि डर गया सवालों से डरा दे रहे हैं आप, मतलब माइक लेते ही डरा दिया। आप फिल्म में डराने फिल्म जो आने वाली है वो डराने के लिए आने वाली है, तो यहाँ सवालों नहीं, से नहीं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपको मजा आएगा डरने, लेकिन डराने के लिए नहीं है, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉमेडी रोल से लोगों को काफी हंसाया है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग लोगों को कॉमेडी रोल से हंसाना ज्यादा मुश्किल है या इस मूवी से डराना? अरे लोग ही बड़े मुश्किल है भाई, बड़े मुश्किल है, कुछ भी करते हैं उनका मन चले वो, आप हॉरर करो तो उस पर हंस देते हैं, कॉमेडी करो तो उस पर रोने लगते हैं, तो लोग बड़े मुश्किल है, लोगों पर डिपेंड करता है वो कैसा चाह रहे हैं। आप कुछ भी करते रहिए, जैसे मैं कुछ भी बोलूं आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, वो तो वैसा ही है। और हो गया काफी पूछ लिया तो हेलो मीडिया मीडिया प्लीज थैंक यू वेरी मच विजय जी हमारे बीच आप आए, और उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि उनका आगे शूट है एंड ही हैज अ फ्लाइट। अच्छा फोटो ले लीजिए जल्दी 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 फोटो ले लीजिए, पिक्चर ले लीजिए क्विकली प्लीज, विल कंटिन्यू आफ्टर दिस पिक्चर प्लीज, थैंक यू मीडिया थैंक यू, प्लीज रहिए ये पिक्चर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू। हाँ भाई यही बोल रहा था करिया भी था जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए। देखिए सवाल थोड़ा सा पेचीदा है आपका, क्योंकि या मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर जॉनरा है सुपर नेचुरल थ्रिलर, इट इज नॉट लाइक अ रेगुलर जॉनरा कि हम कॉमेडी भी कर रहे हैं गाने भी हंसा भी रहे, तो इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ जॉनरा,
तो कहानी पे भी ध्यान देना है, कैरेक्टर्स पे भी ध्यान देना है, और हॉरर भी क्रिएट करना है, डर भी क्रिएट करना है. तो यस, इट्स वेरी चैलेंजिंग. और हमें लगता है कि हमने ये सारी चीज़ें इस फिल्म में अचीव किया है. जी 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 मैंने मैंने ये सोचा नहीं कि मैं अब लोगों को डराऊंगा और इसीलिए मैं फिल्म बनाऊंगा. मैं बचपन से ही बहुत पैशनेट हूँ सिनेमा को लेके. बीइंग अ थिएटर एक्टर, जब मैंने कहानी लिखना शुरू कर दिया तो ये कहानी बन गई अपने आप में और सुपरनेचुरल थ्रिलर बन गई. और बिकॉज इसको हमने हॉरर जॉनरा नाम दिया है, सुपरनेचुरल थ्रिलर हमने इस फिल्म को कहा है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये डराने आ रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डराने नहीं आ रहे, हम एक अच्छा सिनेमा, अच्छी फिल्म बनाइए और हम कहानी के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से हम एक अच्छी फिल्म पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. बस ये डिफरेंस इतना है कि ये सुपरनेचुरल थ्रिलर है. एक तो पहली बात है, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं आए हैं वो नीचे जाके चार छोरे खा ले, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप लोग निकल जाए. तो यहाँ लोग बैठे उनको सुनाई, हमको सुनाई नहीं दे रहा है. तो जिसलिए आप आए उसके फोकस करें, बाकी जिसको खाने पीना है तो सर वो आप नीचे जाके चार खा लीजिए. इट इज वेरी सीरियस बिकॉज दे आर लाइक वो भी सुन नहीं पा रहे, हम भी सुन नहीं पा रहे. थैंक यू. माइक ले लीजिए बिकॉज दे कैन हियर अदरवाइज. शी इज आस्किंग समथिंग. जी जी, आपका नाम? अंजू. अंजू, अंजू जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप फिल्म के शुरू में ही लिख देते हैं कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरी, जी जी जी, मैंने पहले ये ये कहानी का स्ट्रक्चर लिख दिया था. तो मेरे बहुत अजीज मित्र है जो अभी हमारे बीच रहेंगे, इज इंस्पायर्ड, इज नेम इज साजिद लतीफ. उन्होंने मुझे कुछ घटनाएं, कुछ कहानी सुनाई थी जो मैंने इस स्टोरी में इनकॉर्पोरेट की है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू साजिद भाई, और ये इनकॉर्पोरेट करने के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है. मैंने कुछ इंसिडेंट्स मेरे अपने जो फिल्म के कैरेक्टर है जावेद जी है उन पर मैंने वो अप्लाई किया है. सो बेसिकली इट्स टेकन फ्रॉम साजिद लतीफ जी, दैट्स व्हाई वी से इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी. थैंक यू. जी जी सर, आपकी फर्स्ट मूवी है और लाइक आपने फर्स्ट मूवी हॉरर फिल्म क्यों चूज की, मतलब एकदम से क्या आपके दिमाग में आया थी अपने? ये अभी मैंने इस सवाल का जवाब दिया, मैंने जब ये कहानी लिखी तो मैंने ये सोचकर नहीं लिखा कि मैं मेरी पहली फिल्म हॉरर बनाऊंगा. मैंने जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, ये हॉरर जॉनरा है ठीक है, सुपर नेचुरल थ्रिलर है ठीक है, तो ये जो घोस्ट है मेरी फिल्म के, घोस्ट मेरे लिए एज अ राइटर, मेरे लिए वो भी एक कैरेक्टर है. सिर्फ ये है कि वो लुप्त है, वो भूत है, लेकिन मेरी फिल्म की वो पात्र है, वो कैरेक्टर है. तो जब मैंने लिखी कहानी तो मेरे लिए शी वॉज जस्ट वन ऑफ द कैरेक्टर, और ये बन गई सुपर नेचुरल थ्रिलर, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. तो ये मेरी पहली फिल्म है आपके साथ. थैंक यू सो मच. करण जी, राजेश फ्रॉम करण हियर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 99, सॉरी करण इज हियर, प्लीज करण, करण आनंद एंड ही इज ऋषभ चड्ढा. या करण, आप पहले से कुछ मूवीज ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी हिट मूवीज दे चुके हैं, बेबी जैसी मूवीज थी, तो आपका ये मानना भी था कि आपको एक लीड रोल मिले, कुछ आपने इंटरव्यूज के दौरान भी कहा था, क्या इस मूवी में आप इस बार लीड रोल कर रहे हैं, और कैसा रहा जावेद सर के साथ जो इस बार, किस तरह का आपका सेट्स के दौरान, और कितना आपको इस बार सीखने को मिला जावेद सर, क्योंकि एक वर्सेटाइल एक्टर हैं एज ए कॉमेडियन, और जावेद सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में, इस मूवी के बारे में, आप अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बता पाए. पहले जावेद सर से आप सुनना चाहेंगे. देखिए, आपके दो क्वेश्चन हैं, लीड रोल किसी भी एक्टर का मिलना, आप सुनिए, लीड रोल किसी भी एक्टर को मिलना उसका सपना होता है, जो मेरा सपना सच हो गया. और दूसरा सवाल रहा जावेद सर और विजय जी जैसे वर्सटाइल और सीजन एक्टर के साथ काम करना, डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला इन लोगों से, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है हमारी इस फिल्म का. हम 48 डेज हम लोगों ने शूट किया है, और इन 48 दिनों में जावेद सर और विजय जी के साथ हम लोगों 42 डेज नाइट शूट किया है. उन रातों को, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल हिस्सा है, कि नाइट शूट करने के बावजूद जावेद सर की जो कॉमिक टाइमिंग, वो इतना अलाइव रखते थे सेट को, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है. मतलब ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा.
सर जैसे हमने अमिताभ सर को देखा था, वो भी इलाहाबाद से, आप भी इलाहाबाद से थे, तो क्या छोरा गंगा किनारे वाला वो एक दूसरा हमारे को छोरा मिल पाएगा बॉलीवुड के अंदर? बाप रे, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। भगवान अगर 10% भी वहाँ पहुँचा देगा तो मतलब मैं धन्य हो जाऊँगा, मैं यही कह सकता हूँ। जावेद सर हम आपसे जानना चाहेंगे। ओके, आराम आराम। देखिए ये फिल्म, फिल्म की ये खास बात ये है कि ये एक कहानी है, एक टिपिकल फॉर्मूला नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा रोमांस हो जाएगा, यहाँ पे आइटम नंबर हो जाएगा, यहाँ गाने हो जाएंगे, सो इसमें मेरे हिसाब से 6 लीड कैरेक्टर्स ये भी हैं, बिकॉज हर कैरेक्टर पे कहानी है। ये नहीं है कि ये मेन, देखो मेन पिक्चर में कोई मेन नहीं है, पिक्चर में कहानी मेन है और सारे कैरेक्टर्स जो है वो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कहानी एक एंसेंबल कास्ट, एक जो टीम है वो आगे बढ़ा रही कहानी को। भूत भी एक कैरेक्टर है जो आप कहेंगे, भूत एक वर्ड दे दिया बट एक उसका एक डेफिनेशन आप कहेंगे। तो ये मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में जो इन्होंने अप्रोच किया कि एक कहानी आगे बढ़ रही है और उसको किस तरह से ये कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं उस कहानी को, और इनके बीच एक रात में क्या होता है और किस तरह से ये कैरेक्टर टूटते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है एक दूसरे की तरफ, ये बहुत खूबसूरत बात है जो डायरेक्टर ने इस फिल्म में पेश करने की कोशिश की। थोड़ा आसान था कि भैया इनका रोमांस है तो रोमांटिक एक सीन डाल दीजिए, कुछ सेक्सी सीन डाल दीजिए, कुछ आइटम सॉन्ग डाल दीजिए, वो इस फिल्म में हमने किया नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, नई बात है कि एक बार आप कहानी में घुसते हैं तो कहानी के साथ चलते हैं। ये नहीं कि अब हाँ यार थोड़ा रिलीफ चाहिए, थोड़ा हंसा दो, हाँ थोड़ा यार अब यहाँ तो रोमांस, ये दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म, कि आप कहानी में और जू पकड़ के चलती है, फुली इन्वॉल्व कर लेते हैं आप कहानी से। जब मैंने पहली बार फिल्म देखी तो, क्योंकि इसीलिए नहीं क्योंकि हमें फिल्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार देख के हटा तो 10 मिनट तक वो फिल्म के साथ था, मैं उस फिल्म में डूबा हुआ था कि यार ये एक मुझे ले गई एक सफर में, एक ट्रिप में। तो ये बहुत अच्छी बात लगी इस फिल्म के बारे में। ऋषभ आपसे जानना चाहेंगे, आपको लेके एक जोक भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 2 अक्टूबर को ऋषभ में लुप्त हुए थे और 5 तारीख को लुप्त में वापस आ रहे हैं। जोक्स बट आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप इतने बड़े एक्टर्स जावेद सर और विजय सर जैसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, सीखने को क्या मिला और आपने एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस मूवी एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ ये हर साल एक्चुअली हो जाता है, ऋषभ के बाद से आई थिंक 3 साल से 2 और 3 अक्टूबर का जो चल ही रहा है, तो एक्चुअली आज 3 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को यू नो सैम इज कमिंग बैक, माय नेम इन द फिल्म इज द सेम सैम। वेयर एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, यू टू वर्क विद जावेद जी एंड विजय जी, सी यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट बोथ द एक्टर्स इज दैट ये तुम्हें कभी भी एट कोई भी पॉइंट ना एक एडवाइस देते नहीं है सच, सो दे डू देयर वर्क, और अब आपका काम है कि आप देख के अगर सीख सकते तो अच्छी बात है, इफ यू आर ऑब्जर्व इट इनफ, अगर आप अपने मस्ती में तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, पर वो आपको आके कुछ सिखाएंगे, सो यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्व सी हाउ दे गो अबाउट एंड यू कैन टेक व्हाट यू वांट, मतलब जितना आपको लेना है वहाँ से ले सकते हैं। वेयर एज दृश्यम और लुप्त का एक्सपीरियंस मैं कहूँगा यार दृश्यम मेरे लिए करना बहुत ही आसान था, बिकॉज आई थिंक फॉर एन एक्टर एक नेगेटिव इमोशन में टैप करना ईजी होता है, बिकॉज एज पीपल ऑल्सो हम अपनी बुरी मेमोरी ज़्यादा होल्ड ऑन करते हैं, खुशी के मोमेंट्स को जाने देते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। पर वेर एज सैम्स कैरेक्टर्स कंसर्न, प्रभुराज जी ने कुछ बहुत ही मुश्किल करवा दिया है, सो आई थिंक इट्स वन ऑफ माई मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्ले, एंड थैंक यू सर फॉर दैट, दैट्स ऑल, थैंक्स। मीनाक्षी, हाउ वाज योर नेक्स्ट? नहीं, इसने एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल था और बहुत बहुत अच्छी तरह निभाया है, बिकॉज मैं भी एज एन एक्टर व्हेन आई सॉ बहुत प्यारा काम किया और आपको क्यों पसंद आया? मीनाक्षी मैम, मेरा आपसे क्या चैलेंजेस फेस किए क्या बता सकते हैं? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ओवरवेलमिंग है, आप लोग सब इतने इन्वॉल्व होके बात कर रहे हैं, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक रही चैलेंजेस की बात, ऑनेस्टली मैं बताऊँ ये भी काम किया है, बट ये फिल्म इट वॉज दिस जर्नी इज बीन इनक्रेडिबल ऑफ शूटिंग विद दिस टीम, हमें पता ही नहीं लगा, रात भर शूट करते थे, जंगल में शूट करते थे, बट बॉन्डिंग हम एक्टर्स के बीच में भी बहुत अमेजिंग थी एज अ टीम,
वी वर ऑल ऑन द सेम पेज. तो चाहे वो डर से डील करना हो, वो भूख से डील करना हो, अंधेरे से डील करना हो, स्क्रिप्ट से, सो देयर वाज वी वर इन कंप्लीट सिंक वी एज अ टीम. सो चैलेंजेस बिकेम नेग्लिजिबल, वो कहीं दिखे नहीं एज सच. वी वर जस्ट हैविंग फन एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई गेस द रिजल्ट्स what I see is incredible because all of us are on the same page and we have enjoyed working together. Thank you. Javed sir, aapse aakhri sawal hai mera. सर मेरा आखिरी जवाब नहीं होगा. नहीं, मेरा सवाल आखिरी है क्योंकि काफ़ी सवाल पूछ चुका हूँ. सर आप जैसे कि जानते हैं एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और आपकी अगर हम जो इंडियन ऑडियंस है वो एक एक्टर को स्टीरियोटाइप कर देती है. अगर मैं आपके बात करूँ तो आपको कमाल मूवी हो गई, काफ़ी कॉमेडी मूवी हो गई, तो आपको ऐसा स्टीरियोटाइप कर देगी जावेद सर कैन डू कॉमेडी रोल्स बेटर. तो एक एक्टर के लिए स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना कितना मुश्किल होता है कि मैं ये सब भी कर सकता हूँ उसी एफर्ट के साथ, उसी तरह कन्विंस कर सकता हूँ ऑडियंस को. ओके, आई थिंक योर वन जनरेशन स्लाइटली डिफरेंट. मेरी जो इंट्रोडक्शन हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में वो एज अ विलन हु डांसेस वेरी वेल. तो उस वक्त मेरा एक इमेज था डांस विलन से आया, उसके बाद लीड्स प्ले किए, फिर डांस रहा इमेज. डांस का इमेज टूटा थ्रू टेलीविजन जो मैंने चैनल भी पे किया वगैरह, तो उससे कॉमेडी का एक अलग लुक, जो इंग्लिश और जो आजकल हम कॉमेडी देखते हैं वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग जोन था, वहाँ से शुरू हुआ. तो डांस टू कॉमेडी का सफ़र, इमोशनल फिल्में ज़्यादा चली नहीं. फायर की थी जो दिल्ली में शूट गई थी दीपा मेहता जी के साथ, वो इंटरनेशनली काफ़ी पसंद की गई. तो ये बीच में शौर्य की और बेशरम में एज अ विलन, बट वो चक्कर मेरे बेशरम चली नहीं फिर ज़्यादा, बट लोगों ने पसंद किया. तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो भी आप करें वो अप्रिशिएट होना चाहिए. वो हिट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने काम ईमानदारी से किया और लोगों ने कहा नहीं बहुत अच्छा था, मेरे लिए वो काफ़ी है एज एन एक्टर. और वो ये इस फिल्म में एक नया जो कहते हैं मैंने पुश दिया एनवेलप, तो यहाँ पे पुश दिया एनवेलप मेरे लिए हुआ इमोशनली. मैंने ये ग्राफ अभी तक कोई फिल्म में किया नहीं, मैं 33 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन ये जो इमोशनल ग्राफ है जो इस फिल्म में मौका मिला, तो ये मुझे पहली बार मौका मिला. आई एम थैंकफुल टू प्रभु भाई के उन्होंने मुझे ये मौका दिया और एक बहुत अच्छी एंसेंबल कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला. कि जैसे कि करण ने कहा कि 40-45 दिन हम एक साथ थे, दूसरे फिल्मों क्या होता है आप 4-5 दिन किसी के साथ हैं, लेकिन 40-45 दिन एक साथ सारे एक्टर्स का रहना और सारी टीम का सिंक में होना, जैसे मीनाक्षी ने कहा, तो सबके परफॉर्म, मीनाक्षी के बहुत अच्छे सीन है, 2-3 बहुत प्यारे सीन है. तो एक एक्टर को लगता है कि यार एक जो सबके सुर साथ में मिलते हैं, एक भी थोड़ा बेसुरा होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है गाने में. तो ये एक सब सुर में जो एक गाने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, टाइटली नीट स्टोरी है, एज अ ओवरऑल एक्सपीरियंस एक लगेगा आपको फिल्म देखने के बाद कि नहीं यार एक एक्सपीरियंस था जो टाइटली टेक्निकल स्टोरी एक्टिंग सब एक साथ में हमको सिंक. जैसे इन्होंने कहा कि ये एंसेंबल कास्ट है, तो ये अच्छी बात ये है इस फिल्म में कि जावेद जी ने बताया, करण जी ने बताया कि ये सारे लोग हम 45-48 डेट्स साथ में काम कर रहे थे. तो ये अच्छी बात ये है कि ये सारे कैरेक्टर्स, मतलब हम जिसको एक फैमिली कहते हैं, तो ये जैसे सुर की बात की इन्होंने, तो इसमें कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसने वो सुर बेसुरा हो गया हो. तो सुर में होना जरूरी है. सुर इसका मतलब है कि सभी ने एंसेंबल कास्ट है, सभी पात्र ने बहुत अच्छा काम किया है. तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा ये कमजोर है, अगर कमजोर होता तो फिल्म गड़बड़ होती, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो एवरी कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड फैंटास्टिक इन दिस फिल्म. सो आई जस्ट टेक इट फ्रॉम जावेद जी, हम सब सुर के बच्चे. ये वन लाइनर्स के लिए बहुत पॉपुलर है, तो एक्सेप्ट कीजिए इस वन लाइनर्स को, मजा आता है. हम लोग जब भी आपका नाम का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में मानव आ जाता है, धमाल फिल्म का. अभी आपके तो अभी टोटल धमाल फिर से आने वाली है, धमाल मचाने के लिए फिर तैयार हो जाएगी. लेकिन आप खुद को किस तरह के किरदारों में बहुत कंफर्टेबल मानते हैं, या आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए एक एक्टर? देखिए, जहाँ एक एक्टर कंफर्टेबल हो गया एक पर्टिकुलर जोन में, फिर उसकी एक्टिंग के बैंड बढ़ जाते हैं. बिकॉज फिर आप बोलते हैं नहीं मुझे यही करना आता है. और एक्टर जो होता है मेरे हिसाब से एक क्ले कहते हैं ना, क्ले के माने होना चाहिए.
जिस डायरेक्टर के हाथ में वो क्ले चला जाएगा, डायरेक्टर बोलेगा मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना, तो आपको उतना प्लायबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उस डायरेक्टर और राइटर के विजन में अपने आप को ढाल सकें। वो एक कंप्लीट एक्टर होता है। क्या बोले जी मैं कॉमेडी करूंगा, मैं सीरियस करूंगा, मैं एक्शन करूंगा, तो मेरे लिए एन एक्टर ये आपको प्लायबल और फ्लेक्सिबल होना, और जिस रूप में आपको राइटर डायरेक्टर डाले आप ढल जाए और वो कैरेक्टर बन जाए, ना कि ये कि आप जावेद जाफरी हैं तो ये मेरा स्टाइल है और मैं ये करता हूँ, देन वो फिर आप कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर बनना बहुत, उसका फर्स्ट जो ड्यूटी और धर्म है एक्टर का वो है कैरेक्टर बनना जो है, दैट्स इट। अच्छा मैं स्पेशली मैं निकी वालिया जी का नाम यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच यहाँ नहीं है, हमारे बीच नहीं है मतलब यहाँ हमारे बीच नहीं है, यहाँ कॉन्फ्रेंस में नहीं है, तो निकी जी एक्सपीरियंस मुझे, मैंने जैसे मैंने कहा कि ये मेरे करियर में मेरा ये पहला रोल है जहाँ मुझे इमोशनली इतना बड़ा ग्राफ मिल रहा है करने के लिए, मतलब एक सीरियस से लेके जो टोटल इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो मेरे लिए पहली बार मेरे करियर में मुझे इमोशनल इस एक्सट्रीम में जाने का मौका मिला। और ऑल्सो इसमें मैं मीनाक्षी के फादर का रोल कर रहा हूँ, तो फादर का रोल भी एक तरह से पहली बार आपको देखने को मिलेगा, और इट्स इंटरेस्टिंग कि एक्टर को नए नए कैरेक्टर्स में ढलने की ज़रूरत होती है, और कि नहीं नहीं भाई अभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप तो यंग लगते हैं, आप फादर का रोल कहाँ क्यों। आई थिंक एक्टर के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टेन एज, जब वो 40-45 का होता है तो देन उसको शिफ्ट करते रहना चाहिए कि आप कभी ये बन गए कभी ये बन गए। अब हर बार मैं बोलूँगा मैं 30 साल में ही मुझे फंसे रहना है, तो दैट डजंट वर्क। इट्स और ये एज जो ऐसी है कि आपको बड़ा, बिकॉज आप जब 25-30 के होते हैं फिर आपको वही रोल मिलते हैं कि उसी एज का, इस एज में राइट फ्रॉम 35 to 55 आप रोल प्ले कर सकते हैं। सो ये आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टेकन दैट स्टेप एंड उम्मीद है पसंद आएगा लोगों को। सर मूवी किसी एक के कंधों पे नहीं होती है, हाँ सलमान खान के कंधे पे हो जाती है, वो एक अलग लेवल होता है फिर फिल्म का, वो फिल्म मेकिंग अलग होती है। ऐसी जो फिल्में होती है खासतौर पर, हम छोटी फिल्म नहीं कहना चाहिए लेकिन एक फिल्म है, छोटे बजट की फिल्म है, और इसमें कहानी जिस तरह से एग्जीक्यूट की गई है, जिस तरह से एक्ट, तो ये सारी चीज़ें एक फिल्म बनाती हैं। एक एक्टर कभी एक फिल्म को लेके नहीं चल सकता, अगर कहानी बकवास होगी तो बड़े बड़े एक्टर भी फ्लॉप हो जाते हैं, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो मेरे ख्याल से किसी एक पर आप कहें कि ये इसकी वजह से फिल्म हिट हो गई, वो नहीं होगा। एक एंसेंबल, एक कहानी, डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटिंग, ये सारी चीज़ें मिलके एक फिल्म को बनाती हैं। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा, सिम्फनी, कि एक वायलिन बजा रहा है, ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, अगर वो सिंक में नहीं होंगे तो कभी वो सुर अच्छा नहीं लगेगा। सो सिंक में होना सारी चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। आपने से किसी को बॉक्स ऑफिस, देखिए बॉक्स ऑफिस एक फिल्म मेकर तय नहीं करता है, फिल्म मेकर डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, अब वो जनता है, ऑडियंस है, उनको अगर हमारी फिल्म पसंद आती है तो बॉक्स ऑफिस पर नंबर बनेंगे, उनको अगर पसंद नहीं आती है तो नंबर ड्रॉप हो गए। तो ये नंबर गेम में मैं अभी फ़िलहाल इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने एक पिक्चर बनाई है, मैं चाहता हूँ कि दर्शक उसको पसंद करें, सराहे और हमें सपोर्ट करें। देखिए चक्कर क्या होता है, बॉक्स ऑफिस ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। कई लोग कहते हैं फिल्म बड़ी अच्छी थी लेकिन नहीं चली, मतलब नहीं चली नहीं कि पैसे नहीं कमाए, वट एवर, इसके कई रीजंस होते हैं, थिएटर ना मिलना, सही शोज़ ना मिलना। जब तक एक फिल्म लोगों को पसंद आने लगती है और वर्ड ऑफ माउथ लोग कहते हैं नहीं यार अच्छी फिल्म है, फिल्म थिएटर से निकल जाती है, निकलना पड़ता है, तो ये मजबूरी हो गई एक तरह से। सो इट्स अ ट्रिकी गेम, इट कांट से कि फिल्म अच्छी थी मगर नहीं चली, उसके रीजंस होते हैं, यू नो। तो आई थिंक बाकी किस्मत की बात है, डेफिनेटली। आपको डर का संबंध? हाँ जी, सवाल सवाल जोर से बोलिए। डर का संबंध जहाँ पे आप डराने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे इंसोमेनिया का है कहीं कनेक्शन, कि जो इंसान डरता है उसको नींद नहीं आती? नहीं नहीं, देखिए इसमें ये कैरेक्टर जो है मेरा, इस कैरेक्टर का ये थोड़ा ये है कि उसके नींद नहीं आती है, सोता कम है, बिजनेसमैन है, अपने करियर की ज़्यादा सोचता है, थोड़ा अहंकार भी है, स्वार्थी भी है, एम्बिशियस है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन जो उसकी एक फ्रेंड है जो डॉक्टर भी है, साइकाइट्रिस्ट है, वो कहती है कि हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हें कुछ दिख रहा है, तो ये भी
पता नहीं है कि इसे दिख रहा है या है, तो ये जो बंदर लुप्त वो कनेक्टेड ये है कि इस आदमी को जो चीज़ें दिख रही हैं वो इसके दिमाग में हैं या एक्चुअली हैं, तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, राइट। हाँ मुझे फिलहाल आप मुझे दिख नहीं रही हैं बिल्कुल, आप लुप्त हैं, इतनी लाइट मेरी आंखों में आ रही है तो मुझे आप दिख रही है। मैं बिल्कुल दूर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल देखते रहता हूँ क्या हो रहा है और बिल्कुल इन्जॉय करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मौका मिलेगा तो बिल्कुल उससे टच में रहूँगा। 17 साल हमने शो किया, वो फर्स्ट शो था एशिया में पकड़िए आप, मतलब इवन सोयतो इंडियन डांस भी नहीं था उस वक्त, हमारा शो 96 में आया, वो 2004 में आया सोयतो इंडियन डांस, लेकिन ओरिजिनल शो था, बहुत दिल से बनाया गया था और हिंदुस्तान का इतना टैलेंट हमको मौका मिला कि वहाँ कहाँ कहाँ से छोटे छोटे बिलों में से निकल के टैलेंट आया, इतना बड़ा बड़ा टैलेंट, तो हम मतलब सौभाग्य है हमारा कि हम ये एक माध्यम बन सके कि इतना टैलेंट हिंदुस्तान का आ सका और आज आप देख रहे हैं कि टैलेंट कहाँ जा चुका है। जोर से बोल। तो मेरा कैरेक्टर वंडरेबल लखनऊ गर्ल, इट्स दिस फिल्म इज ऑफकोर्स हॉरर है, सुपर नेचुरल पावर, बट देयर इज समथिंग मोर टू इट, एक थ्रेड है जो एक फैमिली के इमोशंस, उनकी इंटरनल बॉन्डिंग, एक फैमिली की बॉन्डिंग जो हम सब ने देखी है अपने घरों में, वो बहुत ही डीपली सर ने पोर्ट्रे की है, बहुत ब्यूटिफुली, बहन भाई का रिलेशनशिप, माँ बाप का, फादर सन का, फादर डॉटर का, वो बहुत ब्यूटिफुली एक पोर्ट्रे की, दैट्स वाई आई कॉल इट अ फैमिली फिल्म। So every family will connect to this film on that note. एक पारिवारिक हॉरर फिल्म। Absolutely. ये somebody यार निभाते हुए हमेशा एक एक्टर को। Sorry प्रभु सर कुछ बोले कम से। एक एक्टर को। No please. हाँ बोलिए। एक एक्टर को जो है किरदार निभाते हुए कोई भी संतुष्टि चाहिए होती है, तो आपको कितनी संतुष्टि मिली? मुझे कोई संतुष्टि नहीं चाहिए, मेरे डायरेक्टर को मिलनी चाहिए, उनको मिल गई मेरे को। आपकी जो थर्ड जनरेशन है, मेरी बेटी फिल्मों में नहीं आ रही है, वो सोशल मीडिया पे अपना काम जो है कर रही है, वो बिजनेस और फैशन पढ़ रही है, मेरा बेटा फिल्मों में आ रहा है, उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, संजय लीला भंसाली साहब उसको लॉन्च कर रहे हैं और उसकी किस्मत उसके साथ, उसका काम उसके साथ, मेरा सपोर्ट, मेरा प्यार, मेरी दुआएं। आप में से कोई, आप में से कोई?